अंडे बट ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, ये लोग है वो। ये देखो हरामी कितने आराम से सोया है कार पे। अगर मेरे कोई भी दोस्त लोग बोले ना भाई तेरे सोसाइटी में कार लगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं ये वाला ब्लॉग देखो और सोच समझ के बोला करो मेरे को। क्या कह रहे थे तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे पेपर न्यूज़ पेपर, यहाँ पे दो सिगड़ी है, यहाँ पे सिलेंडर है दो, और यहाँ पे डोसे का और इडली का प्लेट है, यहाँ पे दो पानी का बोतल है, पैसे का छोटा है, और यहाँ पे टी पे छह ड्रम है और सांभर के कैन वगैरह। इतना सारा लोड लेके ना भाई हमारी वैन काम कर रही है पिछले 5 साल से। यहाँ पे ना हम लोग आने वाले टाइम पे यहाँ पे अपना यूट्यूब का चैनल का नाम डालना ले, और यहाँ पे ना इंडिकेटर चेंज करने का देख रहे ये। और इतना काम करने के बाद हॉस्पिटल जाना ना मेरे को बहुत पैसा का था, बट दादी के लिए इतना कम था। और फाइनली मैं इधर देखने आ गया उनको छोड़ के। और ये तीन बर्ड्स देखो भाई कितने क्यूट है। तो ये सब लेने का प्लान है, बट ये प्लान अभी ना सीन क्या है ना ऐसे ही ले नहीं सकता मैं, क्योंकि मम्मी डैडी लोग को सबको पूछना पड़ेगा। I know what you guys are thinking now. You guys are thinking why this guy always shoots in a kitchen, right? So the reason behind why I shoot always in a kitchen is I find peace over here and I always sleep over here in the kitchen only. And yesterday I just slept over 9:30 p.m. to morning 6 a.m. So finally it's time to go at that home. और इंग्लिश इतनी आती है भाई, ज्यादा इंग्लिश में बोलने पर तो चलते भी वाले घर पे गए। और आज ना मंडे, आज इतना गर्दी नहीं रहेगा संडे को, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज्यादा तो मतलब नहीं क्या हार्ड लेवल से हम लोग आ गए आज। और आज का दिन इजी रहेगा और हम लोग हमारा बेस्ट देंगे। और एक बात, दादी का आज कीमोथेरेपी आप लोगों ने देखा था पिछले हफ्ते ही, दादी को हॉस्पिटल लेके गया था मैं, तो आज दादी का कीमोथेरेपी है। दादी का आज नहीं मतलब कल कीमोथेरेपी है, कल 30 तारीख है, राइट? आज 29 है, कल 30 है। सो दादी का कल कीमोथेरेपी है, तो आज मैं हॉस्पिटल में कॉल करूँगा। दादी का सीबीसी और क्रिएटिन करना है, क्योंकि सीबीसी क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है वो ना हमेशा करना पड़ता है ब्लड चेकअप, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को ना वो रिपोर्ट देखने के बाद ही ना वो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करते हैं या फिर डोज देते हैं। बट आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, सुबह के 6:30 बजे। और डैडी ने ना गाइस आज वैन भी लेके नहीं गई, नहीं लेके गया डैडी ने, तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा ना, वैन लेके जाना पड़ेगा। पहले वैन की चाबी भी यहाँ पे नहीं है हमेशा की तरह, तो पहले वो वाले घर पे जाना पड़ेगा मेरे को और वैन लेके आना पड़ेगा। तो फिर फिलहाल मैं मेरी R15 लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना और दूसरी गाड़ी नहीं है, हीरोंडा भी उधर ही है। अगर चलते गए ना मैं टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, बट लेट्स सी। आज व्लॉग नंबर 138 है और आज मंडे, बट ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, ये लोग है वो। ये देखो हरामी कितने आराम से सोया है कार पे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे ये हाथ मार रहा है हरामी, मतलब है ही नहीं कुछ। ए! ये देखो पेश शर्म कैसे उठ के देख रहा है, इधर आ जा इधर, उससे मेरा क्या फायदा, मतलब गाइस कुछ है ही नहीं। अगर मेरे कोई भी दोस्त लोग बोले ना भाई तेरे सोसाइटी में कार लगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं ये वाला ब्लॉग देखो और सोच समझ के बोला करो मेरे को। चलते हैं फाइनली वैन लेके अपने वाले घर पे, लेट्स गो। 12 seconds later. इडली का गाड़ी पे रख दो। सो गाइस फिलहाल इडली डाल के हो चुका है, और अभी ना क्या करना है, अभी जाके सांभर के कैन वगैरह उठाना है हमेशा की जैसा, और वड़े वगैरह सब कुछ रेडी है, वहाँ पे चटनी वगैरह रेडी है, लाल चटनी भी रेडी है, और मम्मी लाल चटनी निकाल रही है बिजनेस के लिए। सो चलते हैं भाई, चलो लेके चलते हैं स्कूटर के वैन में लोड करते हैं। आजकल मॉर्निंग का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ना बस, ये देखो भाई कितना कूल लगता है सुबह सुबह। जल्दी डोसे की सब्जी बनाओ टाइम पास करने से अच्छा। अरे कर तू पहले काम कर, बाद में बोल भैया को जो भी काम है। भागता नहीं साला, कैन वगैरह रख के हो चुका है, और अभी चटनी का कैन रखने वाले हम लोग। ये तीनों, दो वाइट चटनी और एक लाल चटनी, ये भी वैन में भर देंगे। अभी पहले काम वगैरह सब कुछ हो चुका है अभी अपना, और अभी ना वैन में सामान वगैरह लोड करके रख दिया, और अभी गाड़ी वगैरह मैं ढकलते लेकर जाऊँगा चौक में, तो मेरा काम हो जाएगा, फिर आऊँगा मैं वापस से वैन लेकर जाऊँगा। ये लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत स्लो है काम के लड़के लोग,
ये लोग भागते नहीं, हमको भागना पड़ता है। और ऑन कैमरा ना तुम लोग को बता नहीं पाता उतना, ऑफ कैमरा ही काम जितना भी है ना उतना होता है। अभी फिर चलता हूँ मैं गाड़ी लेके चौक में अपने, फिर वहाँ पे गाड़ी रख के डैडी मंदिर को जाते हैं, तो डैडी वहाँ से ही आते हैं बिजनेस में, तो फिर वहाँ से मैं आऊँगा वापस से वैन लेने अपनी। सो अपना काम हो जाएगा मॉर्निंग का, फिर वापस से 5 घंटा हमको काम करना है 1 बजे तक, और दादी का अपॉइंटमेंट आज ही लूँगा शाम को। सो आज ही दादी का सीबीसी ग्रेडिंग करना है, क्योंकि कल वो ऑफिस से ना मेरे को हॉस्पिटल जाना है। Let's go. A lot of boring math later. अपनी गाड़ी अपने चौक में रख दी है और अभी मैं चलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है जब गाड़ी तुम ना एकदम ढकल के लेके आते हो। अभी चलता हूँ वाले घर पे, फ्रेश होता हूँ, थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह खाता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ से वैन लेके आ जाएंगे। फिर मेरा काम सुबह का 1 घंटे का काम मेरा हो जाएगा, फिर बाद में वापस से 5 घंटा काम करना 1 बजे तक टोटल। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाड़ी ढकल के आया चौक में, मम्मी मम्मी गाड़ी चौक में ढकल के आया। जाओ अभी चाय बिस्किट दे रहे क्या थोड़ा खाने? अकेला अकेला चाय बिस्किट मत खाओ भाई। नहीं, तुम लोग एक बात बताता हूँ, मेरे को ना मेरे घर की चाय पीने को ना थोड़ा डाउट आता है। क्यों पता है क्या? इधर ना कभी कभी गलती से डोसे की सब्जी गिर जाती चाय में हमारे, इसके लिए मेरे को पीने को डर लगता है। उसके लिए आनंद के घर पे जाता हूँ चाय पीने के लिए। खास हाँ नहीं पी नहीं पींगा ना, तुम प्यार से पिलाएंगे तो पींगा। बिल्कुल नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं। आज तो मोहरी जीरा सब डाली चाय में, चाय में चाय में मेरी मम्मी ने ना डोसे का सब्जी का तड़का दी ले भाई, थोड़ा क्रैक जाके बिस्किट वगैरह खाता हूँ। तो नाम रखेगा तुम ऐसे ही बोल दी नाम? अरे डोसे की सब्जी गिरती भाई कभी कभी, तुमको क्या मजाक लग रहा है? ऐसा नहीं, गलती से डाली के अच्छी लगा था। हाँ होता है एक एक दिन, गलती से होता है कभी कभी, बट कोई ना भाई। मम्मी वड़ा छोड़े की इतना आटा का, और मम्मी को ना इतना आटा उठा के दू क्या? ये वाला आटा उठा के दू क्या तुमको? वड़े का आटा उठा के ला के दू क्या इधर? गाइस क्या कह रहे थे तुम लोग को दिखा दो मैं। ये देखो यहाँ पे पेपर है, न्यूज़पेपर, यहाँ पे 2 शेगड़ी है, यहाँ पे सिलेंडर है 2, और यहाँ पे डोसे का और इडली का प्लेट है, यहाँ पे 2 पानी का बोतल, यहाँ पे पैसे का छट्टा है, और यहाँ पे टीप है, 6 ड्रम है, और सांभर के कैन वगैरह। इतना सारा लोड लेके ना भाई हमारी वैन काम कर रही है पिछले 5 साल से, और इससे पहले एक वैन थी जो 10 से 15 साल कंटिन्यू काम की, तो उसको हम लोग ने बेच के ना सेकेंड वाली ये लिए। बट ये ना बहुत हमेशा धोखा देती थी। और पहले वाली वैन ज्यादा धोखा नहीं देती थी, बट कोई ना फटाफट काम करता और आप लोगों को 1 बजे मिलता हूँ मैं गाइस। स्टे ट्यून्ड। गाड़ी में का सब कुछ सामान वगैरह अनलोड हो करके हो चुका है, गाड़ी में का सामान वगैरह सब कुछ निकाल दिया राम भाई ने हमारे। तो अभी हम लोग चलते वैन लेके वैन की जगह जहाँ पे ना वैन वापस लगाएंगे। और ये देखो सैटरडे को ना मंडे को मतलब ऐसी हालत रहती है गाड़ी पे, रहती है करती है एक टाइम के बाद, बट स्लो रहता है कंपेयर टू संडे। चलते वैन लगाते और अपना काम करते हैं। सांभर चटनी बिटनी ये सब ये वाले बर्तन में वाले घर पे छोड़ के आऊंगा, फिर बाद में वो आंटी धोते रहेगी अपना अपना काम करते रहेंगे, फिर ऐसे मैं सुबह में कल्टी दूंगा अपने घर पे, आऊंगा आराम से जाके सो जाऊंगा। मेरी बहन सुबह से बहुत मदद की हम लोगों को, वड़ा लगे थी, चटनी लगे थी, फाइनली खोल दिया। और इधर ना ऊपर कूलर में ये देखो कितना अंधेरा है भाई, इधर ना इतने पोते है, देखो इतने सारे पोते है भाई माल के। और इधर ना ये कूलर के ऊपर 5x6 और 5x8 मतलब क्या है, जो सांभर चटनी का कवर बांधते हैं ना हम लोग उसके पैकेट है, तो वो पैकेट लेके जाना है क्योंकि बिजनेस पे खत्म हो चुका है, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। और मेरी बहन ना मेरे पैसे का फ्री में मेरा नींबू पानी पी, और ये अभी 15 रुपये मेरे को बाद में देगी, एक बात तो पक्की है। हाँ कौन तू इधर देख रहे है, इधर देख रहे है, तो ये मेरे को देगी बाद में। तो अभी वो भी जा रही है भाजीपाला लाने घोरपड़ी, तो वो माल भी लेके आ जाएगी मार्केट जाके, फिर मेरा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे। फिश की बात आई, फिश लेने का सोच रहे, बट सीन क्या है ना, मेरे डैडी ने अभी बोले कि मत करो, छूता गिरी बिल्कुल करने का नहीं, डैडी ने सीधा बोले ले। फाइनल मैं बिजनेस पे से घर पे आ चुका और अपना काम, आज का दिन काम बहुत ज्यादा था और आज का काम हो चुका है। एक बात पूछना था तुम लोग को, यहाँ पे ना हम लोग आने वाले टाइम पे यहाँ पे अपना यूट्यूब का चैनल का नाम डालने वाले, और यहाँ पे ना इंडिकेटर चेंज करने का देख रहे ये, क्योंकि ये गाड़ डाला है इंडिकेटर ज़्यादा बड़े रहने से, कारण क्या है ना गाड़ी जब भी गिरेगा ना गाइस तो इंडिकेटर टूट जाएगा, क्योंकि गाड़ से ज़्यादा इंडिकेटर भारे, तो ये इंडिकेटर पूरा छोटा वाला लगा दूंगा और ये पीछे का भी चेंज कर दूंगा,
और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे व्लॉगर करके। सो एक बार आप लोग कमेंट में बताना गाड़ी में चेंजेस करना रहेगा ना, कमेंट में एक बार बता दो तो फिर मैं वैसे चेंज कर दूंगा। फिर थोड़ा रुकते चेंज कर देंगे गाड़ी को। गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है क्योंकि उस दिन भाई लेके गया था उसने धोखे ला, और ये गाड़ी धोने के बाद एकदम कूल लगती है। और लूसी को जस्ट पता चल गया कि मैं आ गया हूँ घर पे, इसके लिए भूख रही है लूसी। सो कोई ना, चलते घर के अंदर। अरे मेरा बच्चा, सुबह से अभी देखो मेरे को ऐसा एड़ा मत, रुक खोलता तेरे को खोलता मैं, है ना रे बच्चा, है ना। और जो काला कुत्ता आप लोगों ने देखा था ना मेरे ब्लॉग में, कैसे ये कृष्णावादी और मेरी बहन के साथ जो वॉकिंग के साथ आया था, वॉकिंग कर रहे थे लोग इनके पीछे पीछे आया था, उसको कल छोड़ के आ गए फाइनली, क्योंकि यहाँ पे वो सेफ नहीं था, यहाँ पे ना दूसरे कुत्ते उसको काट रहे थे वगैरह, तो उसको छोड़ के आ गया। सो मैं फटाफट नहाता और आप लोगों को नहाने घर में, तो स्टेट इन फाइनली मेरा नहा के हो चुका और अभी मम्मी ना जस्ट खाना वगैरह बनाई है यहाँ पे, मस्त गर्म करा अभी मैं इतना खाऊंगा। फिर आज सुबह से इतना काम करने के बाद ना वापस मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पेपर लाने, और इतना काम करने के बाद हॉस्पिटल जाना ना मेरे को बहुत वैताग आता है, बट दादी के लिए इतना कर सकता और दादी के लिए मैं इतना करता भी ना, दादी को बहुत घमंड है हमारे, क्या बोलने का। अभी दादी का ब्लड चेकअप करने बंदा आएगा हॉस्पिटल से, तो और मैं हॉस्पिटल जाऊंगा दादी का पेपर लाने, इतना काम होने के बाद ना दादी का काम हो जाएगा। कल फिर बिजनेस पे आऊंगा मैं ट्यूसडे के दिन, कल के दिन बिजनेस पे जाऊंगा, स्टॉक वगैरह जो भी सब करूंगा, और कल मेरे को जाना पड़ेगा दादी को उधर एडमिट करने, और शायद से मैं उधर मेरे को मतलब हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ सकता है मेरे को, क्योंकि पिछली बार ना डॉक्टर लोग ने चिल्लाया था कि तू किधर भी भाग के जाता दादी को हॉस्पिटल में रख के, क्योंकि कैंसर का पेशेंट है हमारा, रिस्क ले नहीं सकते, तो वापस से भाग के आ जाऊंगा मैं तो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, सबको मालूम है, दादी को भी मालूम है मेरे, बट कोई ना, फटाफट खाना खाता हूँ सर, हम लोग हॉस्पिटल से दादी का काम वगैरह सब कुछ करते। और एक एक बात, आज 29 है और शायद ये महीना 30 तारीख का है ना, 31 का है क्या, और चार दिन में मेरे डैडी का बर्थडे आने वाला है गाइस, 2 तारीख को, 2 जून को, और डैडी को जो गिफ्ट मांगता ना वो लेके देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे जमे हैं और मेरे पैसे ना मेरी मम्मी ने जमाई है। भाई तुमको गिफ्ट दिया चलता, भाई डैडी को गिफ्ट लेके नहीं देने का तुमको, 4,500 की साड़ी लेके देने का नहीं क्या, डैडी को गिफ्ट नहीं लगता, ठीक है। मेरी मम्मी ना 18 प्लस हो रही है, बाय। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और देखो ना काफी ज्यादा नींद कर रही है, नींद आ रही है, मतलब काफी ज्यादा नींद आ रही है, थक चुका हूँ सुबह से और इतना ज्यादा नींद आ रहा है सच्ची में। मैं अभी बेड पे था, ऐसा आके बंद ही कर दिया था मैं, बट दादी का पेपर का याद आएगा तो अभी पेपर लेके आता हूँ जाके और फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आराम से ना शाम को सो भी के 5:30 बजे तक गोल्ड जिम चला दूंगा, लेट्स गो। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं, अभी दादी का जो काम है ना पेपर का उतना काम करके लेता हूँ फटाफट, पेपर लेके हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे चलते हैं। तुमको नहीं लगता कि हॉस्पिटल के बाहर का वेदर देख के ऐसा नहीं लगता तुमको कि बारिश गिरेगा? ये देखो भाई पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, काश मैं भीग ना जाऊँ घर पे जाते। हॉस्पिटल से काफ़ी आए हो आप लोग, यहाँ पे फालूदा खाने आओ, और अभी जस्ट मैंने ना रॉयल फालूदा ऑर्डर किया, नहीं सर इधर ही खाना है, अभी जस्ट मैंने ऑर्डर किया। और यहाँ पे ना लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट रखा है और ये सब असली दिख रही है, देखो भाई, और मेरे को ये सब खाने का बना रहा, और ये सारे 3D ऑब्जेक्ट है ये लोग ने बना के रखा है सैंपल दिखाने के लिए कस्टमर के लिए। बट अभी मैं मस्त खाऊंगा रॉयल फालूदा और मेरी बहन को जाके दिखाऊंगा कि मैंने क्या खाया, फिर वो बाद में रोएगी, कोई ना। जैसे कि कृष्णा आदि और मेरी बहन बोल रहे थे बर्ड्स और फिश के बारे में, और फाइनली मैं इधर देखने आ गया उनको छोड़ के, और ये 3 बर्ड्स देखो भाई कितने क्यूट है, तो ये सब लेने का प्लान है। बट ये प्लान अभी ना सीन क्या है ना, ऐसे ही लेने सकता मैं, क्योंकि मम्मी डैडी ये लोग को सबको पूछना पड़ेगा, अगर इन लोग का डन होता है ना तभी लूँगा, और ना सारे फिश वगैरह ये बाद में देखूँगा। बर्ड आदि ये लोग को ना ये सब बर्ड वगैरह बहुत पसंद है, आया तभी से ना पीछे गिरा है मेरे, और ये सब बर्ड देखो भाई कितने क्यूट है, तो इसमें से कुछ एक लेके जाऊँगा मैं, 1-2 पैर रहे तो 3 पैर वाला केज के साथ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं घर पे जाके ये वीडियो वो लोग को दिखा दिया ना, ये लोग रोएंगे, इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं ये लोग को, बट हम लोग ट्राई करेंगे ये सब चीज़ लेने का, लेट्स सी। और ये बर्ड देखो भाई कितने क्यूट है, कोई ना अभी हम लोग घर पे चलते हैं, मम्मी डैडी से एक बार कंफर्म करके पूछते हैं, फिर वो हिसाब से हम लोग लेंगे। A lot of boring math later. मैं घर पे आ चुका हूँ और दादी का ब्लड चेकअप वगैरह हो गया, दादी का ब्लड चेकअप करने बंदा आया था, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था ना जैसे मैं हॉस्पिटल जाऊँगा ना तो बंदा आके दादी का ब्लड चेकअप वगैरह करके जाएगा, तो पेपर का काम वगैरह हो चुका है और कल हम लोग सुबह जाएंगे दादी को हॉस्पिटल लेके, बिजनेस वगैरह जो भी काम है ना सब कुछ करके जाऊंगा मैं, पिछले ट्यूसडे कुछ ऐसे किया था, और जब हॉस्पिटल जाने का रहेगा ना तभी बिजनेस वैसे चला जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। और बर्ड वगैरह हम लोग ने तो देख लिया, बर्ड आदि बर्ड पसंद आया, इसको बर्ड पसंद आया, और ये दोनों ने बर्ड का वीडियो देख लिया,
बट हम लोग देखेंगे लेने का जब भी रहेगा। अभी फिलहाल लेने को कुछ नहीं, मम्मी डैडी सो रहे, इसके लिए मैं उनको पूछ रहा नहीं हूँ। कल के वीडियो में उनको बिल्कुल मतलब सच्ची में पूछूंगा उनको लेने है कि नहीं। अगर नहीं बोलते तो बिल्कुल नहीं, अगर लेने बोलते तो जरूर लेंगे हम लोग 2 से 3 दिन। सो आज का व्लॉग करता हूँ एंड गाइस, और अभी 5:30 बज रहे और अभी मैं कुछ नहीं, थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूँगा, फिर जिम को जाऊँगा, 8:30-9 बज जाएंगे आने को घर पे। सो आई होप तुम अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा है गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप लोगों को मिलता हूँ कल, पीस आउट गाइस। और एक बात, जल्दी हमारे 200 सब्सक्राइबर होने वाले, जल्दी से कर दो।